नमस्कार, पिंकीज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो इसको कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए आइए देखते हैं। 2 बड़े कप मैंने दूध लिया है और 2 बड़े कप मैंने गाजर कस के लिया हुआ है और 1 छोटा कप मैंने शक्कर ली है और 1 छोटा कप मैंने मलाई ली हुई है और 1 बड़ा चम्मच मैंने घी लिया हुआ है। 4-5 मैंने काजू, पिस्ता और बादाम बारीक काट के लिए हुए हैं और 2 छोटी इलायची का पाउडर लिया हुआ है। तो कैसे बनाते हैं आइए शुरू करते हैं। तो पैन में सबसे हम पहले गाजर डालेंगे, इसका पानी एकदम सुखा लेंगे हम। कैसे दबा के इसका पानी एकदम सुखा लेंगे। तो देखिए पानी इसका सूख गया है, अब हम इसमें दूध डाल देंगे, इसको चलाएंगे। जब तक ये दूध इसका सूख नहीं जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए दूध सारा इसका गाजर में सोख लिया है, अब हम इसमें मलाई भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें मैंने यहाँ मलाई ली है, आप चाहें तो मावा भी ले सकते हैं, पर मलाई भी मावे का ही काम करती है, इसका भी वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि मावा डालने का आता है हमने का। देखिए मलाई भी इसमें मिक्स हो गई अच्छे से, अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे, वापस से इसको चलाएंगे तब तक शक्कर इसमें। तो देखिए शक्कर भी इसकी मिक्स हो गई है, पानी सूख गया शक्कर का, अब हम इसमें घी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट भी हम डाल देंगे इसमें, थोड़े ड्राई फ्रूट हम बचा के रखेंगे ऊपर से गार्निश के लिए। इलायची पाउडर भी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है, अब हम इसको सर्व करेंगे, गैस बंद कर देंगे। तो देखिए गाजर का हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है, आप भी अपने घर पे जरूर बनाएं और मलाई डाल के बनाएं और अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। और यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।